बिकॉज़ कि वो बिग उनके बिना बॉस बिग से बॉस नहीं है, मेरे एक ही मित्र है वहां पे। मतलब मैं ज्यादा बिग बॉस फॉलो नहीं करता और ना ही मैं ज्यादा देखता, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं नाम आ रहे हैं, मेरा भी नाम होता। तीन फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड आई थिंक दो ही दिन का अभी आया है, बेकाबू में ईशा के साथ मैं काम कर रही थी, वो है नायरा है, अभी मैं नायरा से मिली भी थी तभी वो बताए नहीं, मतलब हां इट वाज अ सरप्राइज। ईशा सामने हो और बिग बॉस की बात ना करें, हो नहीं सकता। बिग बॉस 18 शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा बस बन चुका है क्योंकि बहुत सारे टीवी एक्टर्स उसमें हैं और सिर्फ एक यूट्यूबर है, बहुत सारे नहीं आई थिंक ऑलमोस्ट सभी टीवी एक्टर्स हैं, वापस से उस ट्रैक पर आ चुका है बिग बॉस। सो आई थिंक आई हैव नॉट सीन फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड, आई थिंक दो ही दिन का भी आया है, मैंने नहीं देखा बट मैंने रील्स पे देखा, एंड आई थिंक मेरी एक ही नोन है जो उसमें आया है विच इज विवियन, बिकॉज आई वर्क्ड विद हिम जब वो डारिया में थे, तो मैं उनको सिर्फ जानती हूँ, बाकियों को मैं जानती हूँ बट ऐसे ही मेरे कोई फ्रेंडशिप नहीं है या मैं उनको कभी वन ऑन वन नहीं मिली हूँ, सो या ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, आई होप दे ऑल विल। विवियन ने एक स्टेटमेंट दी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है लोगों के बीच में, विवियन ने कहा कि भाई लोगों को ना लुक्स पे कम ध्यान देना चाहिए, बॉडी पे कम ध्यान देना चाहिए, उनको सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करना चाहिए। यार वो बिग बॉस है, वहाँ वो हर स्टेटमेंट वायरल होती है, अब आज कर रहे हो आप ऐसा। ये तो एक बड़ा स्टेटमेंट है ना एक्टरों के लिए, उन्होंने बोला कि बॉडी पे ध्यान, और नहीं मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती यार, बिकॉज अगर आज मैं ये लुक क्रिएट करके नहीं आती तो आप लोग मुझे शायद कॉम्प्लीमेंट ना कर रहे हो क्योंकि अरे वाओ कितने अच्छे लग रहे हो यार, बंगाली लुक किया है, सो आई ट्रूली बिलीव दैट लुकिंग अप टू द मार्क फॉर एन एक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई नॉट विवियन के अलावा कोई और पहचान के कोई एक्टर? और नहीं मैं किसी को नहीं, पर एज अ गेस्ट ईशा अगर मौका मिले कि एज अ गेस्ट अंदर जाए और कुछ लोगों को टिप्स वगैरह दे सके तो जाना चाहेंगे, और क्या टिप देना चाहेंगे? क्यों किसी को टिप दूंगी यार, ऐसा कुछ नहीं, आई एम श्योर अब मतलब बिग बॉस का अब 18th सीजन हो चुका है, तो पिछले जो 17 सीजन है अभी जो भी लोग गए होंगे चाहे कितना भी बोले कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, हम देखे नहीं आए, बट सब अपनी एक आइडियोलॉजी के लिए देख के जाते ही हैं, सो देयर इज नो डाउट इन इट, सब देखे गए हैं, सबको सब पता है, तो आई थिंक टिप्स की एज सच कोई जरूरत नहीं है, बट यस आई वुड लव टू गो इनसाइड हाउस एज अ गेस्ट। अभी मुनारी साहब सामने हैं और बिग बॉस की बात हम ना करें ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये नया सीजन बहुत स्टार्ट है अभी, मतलब हाँ, अभी क्या ही करेंगे, तो लेकिन आपका कोई दोस्त वगैरह जो अंदर? हाँ इस बार तो बहुत फ्रेंड्स है, हम अभी बेकाबू में ईशा के साथ मैं काम कर रही थी, मैं शालिनी ईशा हूँ डेफिनेटली, वो है नायरा है, अभी मैं नायरा से मिली भी थी तभी वो बताए नहीं, इट वाज अ सरप्राइज, बट अच्छा लगा, मैं फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, एंड इस बार काफी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट है, तो बहुत इंटरेस्टिंग 3 महीना हमारा जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा ईशा से, ईशा गई हैं, आपसे बात वगैरह हुई थी ईशा की? नहीं वो तो सरप्राइज है, मतलब आई थिंक न्यूज में भी कहीं नहीं आया था उसका, अचानक से नाम आया, एंड उसने बोला भी कि लास्ट मोमेंट में फाइनल किया, सो ये मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली, जब मैं भी गई थी सीजन 10 में, तब मेरा भी मतलब जस्ट 3 दिन पहले मुझे फाइनल किया था, मैं तो अपना अपने कपड़े शपड़े कुछ भी नहीं लेके जा पाई थी, वो भी एक अलग स्ट्रेस हो गया था अंदर जाके, बट ये लास्ट मोमेंट वाला ना बहुत मजा आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो आप कुछ प्लान भी नहीं कर पाओगे और जाके मतलब आप रियल रहोगे। ऑल्दो इतने सारे कंटेस्टेंट है, बहुतों का आप नहीं भी जानती होंगी, लेकिन किसका गेम देखने के लिए आप मतलब किसका एक्साइटेड है, कौन आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और इस सीजन का सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट हो सकता है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो डेफिनेटली विवियन होगा, या तो मतलब उसका एंट्री भी जब हुआ तो काफी सॉर्टेड था, और मुझे दोनों एक ये शहजादा और अविनाश का जो जो जोड़ी का जो फर्स्ट डे जो दिख रहा था, आई थिंक वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, लाइक यू नो हमारे सीजन में भी मन्नू मंदिर का जो था वो हो सकता है, अभी तो बहुत शुरुआत है, तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। किसी की जोड़ी बनने के चांसेस लग रहे हैं, लव एंगल किसके दिखने के लिए मिल सकते हैं? नहीं आई थिंक नहीं, पर ऐसा तो भी रहा है, नहीं भी वाइल्ड कार्ड में आए। अच्छा हाँ हमें करण जी का भूल रहे हो, मतलब वो विनर है, तो पूरा अभी खतरों के खिलाड़ी जीत के आया, तो डेफिनेटली उसका गेम भी बहुत सही होगा। करेक्ट मोना जी, पवन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पूछ रहा हूँ, पवन जी भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड में भी अब धमाल मचा रहे हैं, दो गाने सुपर हिट हो चुके हैं ऑलरेडी विद राजकुमार राव, और एक था राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर के साथ, ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, वो कैसे देखते हैं?
हाँ मैं तो बहुत खुश थी, मैं जब भी दोनों सॉन्ग्स, इनफैक्ट पहला वाला सॉन्ग भी जब आया, एक तो स्त्री इतना ऑलरेडी बिग हिट है तो उसका एक अलग क्रेज था ही, उसमें पवन जी का, उसमें फिर पवन जी का गाना आया तो वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। एंड उनका आवाज़ तो मतलब बहुत ही अच्छा था हमेशा से, लाइक जब मैं फिल्म भी उनके साथ करती थी आवाज़ की तो दीवानी थी ही, सो डेफिनेटली अभी ये तड़का अच्छा लग रहा है। गोट का आपने नाम लिया, सलमान भाई इज बैक एज होस्ट बिकॉज़ के वो उसके बिना बिग बॉस नहीं है, सलमान सर हैं तो बिग बॉस है, सलमान सर नहीं है नो बिग बॉस, वही बिग बॉस है। सलमान के तो और भी काफी कंटेस्टेंट गए हैं, तो कोई आपके दोस्त मित्र वहां पर गए जो? नहीं नहीं नहीं, मेरे एक ही मित्र हैं वहां पे सलमान सर, बट यस आई एम रियली हैप्पी, मतलब मैं ज्यादा बिग बॉस फॉलो नहीं करता और ना ही मैं ज्यादा देखता हूं, बट यस कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द कंटेस्टेंट, ऑल द बेस्ट। बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी टफ टास्क यू नो, एक ऐसी जगह पे रहना, अपनी फैमिली अपने लोगों से दूर रहना और उस पूरे सिनेरियो में जीना और टास्क पूरे करना, उसमें कितनी सारी भसड़े होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बट या एट द एंड जो बेस्ट होता है वही जीतता है। तो सबको अच्छी से मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि अच्छे से परफॉर्म करें, सारे टास्क अच्छे से पूरे करें, एंड यस वी आर वेरी हैप्पी कि सलमान सर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस रूम 4 भी बन रही है, रणबीर कपूर है ऐसा बोला जा रहा है, शाहरुख सर भी हो सकते हैं ऐसा, आई थिंक पता नहीं है क्योंकि वो रूमर्स काफी सारे आते हैं, तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है वो समझ में नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नाम, आई थिंक मेरा भी नाम होता बट मेरा नहीं है। उसके बाद से अप्रोच किया कि इस बार की आप भैया, उन्होंने बोला कि थोड़ा बड़े हो जाओ, मतलब धूम 3 में था छोटा था, कोई बदला होगा जो वो धूम 10 में निकालेगा, तो तब तक मैं बड़ा हो रहा हूँ और जैसे ही बड़ा हो जाऊंगा देन ढूंढ टेन में शायद दिखूं आपको। तो ये एक्सक्लूसिव है हमारे साथ। हाँ ये एक्सक्लूसिव है, जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आप लोग भी इस चीज को मैनिफेस्ट करिए और प्रे करिए मेरे लिए। थैंक्स। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट दैट यू लाइक टू शेयर विद अस? डेफिनेटली माय वन अनदर वेब सीरीज इज कमिंग वेरी सून, उसका नाम है गोट्स, जो अभी हमने अनाउंस किया है। इट इज ऑल थैंक्स। अभी मैं फुल फॉर्म तो नहीं बोल सकता, बट या गोट्स मतलब एक ही है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आई एम रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से वो रिलीज हो और आप सब देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज। अभी ज़्यादा मैं उसके बारे में रिवील नहीं कर सकता, बट यस नेक्स्ट मंथ से आप लोग को सब मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।